ये खबर तालियों की हकदार है। ये सोनू वर्मा है और डेव समुदाय को गौरवान्वित करने के लिए हम सभी को उनकी सराहना करनी चाहिए। वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि उनकी सराहना क्यों करनी चाहिए। वर्मा राजकीय आईटीआई करनाल हरियाणा में कार्यरत है। कुछ समय पहले वर्मा ने रेलवे रियायत के लिए आवेदन किया था। जब उनका आवेदन खारिज कर दिया गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वर्मा को आश्चर्य हुआ कि जब वो पूरी तरह से डेफ है तो उनका आवेदन क्यों खारिज किया गया। उन्होंने पाया कि उनका आवेदन इसलिए खारिज किया गया क्योंकि वह बोल सकते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक रियायत केवल उन्हीं डेफ को दी जाती है जो कुछ नहीं बोल सकते। वर्मा ने कहा कि वो डेफ है और कुछ अन्य डेफ लोगों की तरह कुछ शब्द बोल सकते हैं। इसका उसके बोलने के कौशल से कोई लेना देना नहीं था, ये केवल उसकी सुनने की क्षमता की कमी के बारे में होना चाहिए था। वर्मा ने विभिन्न नियमों पर शोध किया, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 और कई अन्य कानूनों का अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक याचिका का मसौदा तैयार किया और समीक्षा और सही शब्दावली के उपयोग के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के साथ साझा किया जिन्हें वो जानते थे। न्यायाधीश ने उनसे कहा कि याचिका बिल्कुल सही है और उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उन्होंने राज्य आयोग दिव्यांगता पंचकुला की अदालत में याचिका दायर की। दिव्यांगता आयुक्त राजकुमार मकर स्वयं एक वकील है। उन्होंने भी याचिका को सही पाया और उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद रेलवे के खिलाफ यह याचिका दायर कर दी गई। रेलवे ने कहा कि सुनने और बोलने की क्षमता दोनों को एक साथ लेने पर रियायत दी जाती है। जो डेफ बोल सकते हैं उन्हें रियायत नहीं दी जाती। व्यक्ति को बोलने और सुनने दोनों दिव्यांगता होनी चाहिए। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में 21-22 दिव्यांगताएं उल्लेखित है। ये अधिनियम प्रत्येक दिव्यांगता को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में उन डेफ का उल्लेख है जिनका योरिंग लॉस 70 dB से अधिक है। उन्हें श्रवण दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ये तो आप सभी जानते हैं। स्पीच इम्पेयरमेंट की एक अलग श्रेणी है जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें बोलने में समस्या है। दोनों श्रेणियों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। रेलवे ने किस आधार पर इसे एक साथ विलय कर अपनी नीति बनाई? क्या उन्होंने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पालन नहीं किया? दिव्यांगता आयुक्त मकर ने रेलवे से जवाब मांगा। रेलवे के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से डेफ है लेकिन कुछ शब्द बोल सकता है तो वो रियायत का पात्र नहीं है। इसी तरह अगर कोई सुन सकता है लेकिन बोल नहीं सकता तो वो भी रियायत का पात्र नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि रेलवे की नीति दोनों दिव्यांगता को एक साथ रखने की है। जब पूछा गया कि क्या रेलवे के पास इस पर कोई स्पष्ट नियम है तो रेलवे कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि रेलवे को भारी खर्च करना पड़ता है क्योंकि वह दिव्यांग व्यक्तियों, विधायकों, मंत्रियों, खिलाड़ियों, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं आदि को विभिन्न प्रकार की रियायतें देते हैं और रेलवे के पास डेफ को दी जाने वाली रियायत को बढ़ाने के लिए बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर MSJ फंड दे तो रियायत प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। इस पर वर्मा ने रेलवे को बताया कि जब PWD एक्ट 1995 लागू था जिसमें केवल 7 दिव्यांगताएं थी, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, श्रवण दिव्यांगता और बौद्धिक दिव्यांगता 4 प्रमुख दिव्यांगताएं थी। उस समय भी दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता और लोकोमोटर दिव्यांगता वाले लोगों को 75% रियायत दी जाती थी। हालांकि डेफ को केवल 50% रियायत दी जाती थी। 75% रियायत के साथ साथ राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में इन तीन श्रेणियों को 25% रियायत भी दी जाती थी।
जबकि डेफ राजधानी और शताब्दी में रियायत के पात्र नहीं है और उन्हें अन्य ट्रेनों में केवल 50% रियायत दी जाती है। RPWD एक्ट 2016 में समानता का उल्लेख है। आयुक्त माकड़ ने भी कहा कि अधिनियम में उल्लेखित सभी 21 दिव्यांगताओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। आयुक्त ने दिव्यांगता की दो श्रेणियों को मिलाकर RPWD अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए रेलवे को फटकार लगाई, जिसका अधिनियम में अलग अलग उल्लेख किया गया है। इसका रेलवे के पास कोई जवाब नहीं था। आयुक्त ने रेलवे से डेफ को एक अलग श्रेणी में शामिल करने और 3 महीने के भीतर समान रियायत प्रदान करने को कहा। संपूर्ण भारत में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार प्रावधान दिया जाए। उम्मीद है कि रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी होगी। आयुक्त माकड़ ने सोनू वर्मा की मेहनत और सक्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्मा ने स्वयं डेफ के अधिकारों के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं आपको बताता हूं सोनू वर्मा के बारे में, ये सचमुच आपको प्रेरित करेगा। याद है ISH न्यूज ने सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली एक डेफ महिला के बारे में ये खबर जारी की थी, जिसे मातृत्व अवकाश से वंचित कर दिया गया था। ये वर्मा ही थे जिन्होंने आवेदन तैयार करने में मदद की और उसके लिए लड़ाई लड़ी, और वर्मा को धन्यवाद कि महिला को मुआवजा दिया गया। एक और आश्चर्यजनक और दिलचस्प मामले में वर्मा ने बहुत सारे नियम पढ़े। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी शादी ब्याह के दौरान काफी खर्च करते हैं। सरकारी कर्मचारी को भाई बहन जैसे परिवार के सदस्यों की शादी के दौरान लोन की सुविधा दी जाती है। लोन वापसी की किश्त कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है। 2004 में जब वर्मा शादी करने की योजना बना रहे थे, तो उन्होंने अपने कार्यालय से ऋण के लिए कहा। कार्यालय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ये सुविधा केवल परिवार के सदस्यों की शादी के लिए उपलब्ध है। कितनी अजीब बात है, खुद की शादी के लिए नहीं दिया जाता है लोन। वर्मा ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील वर्मा की बातों को समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए वर्मा ने खुद जज को समझाया और वे बेहद प्रभावित हुए। वर्मा ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऋण सुविधा केवल परिवार के सदस्यों की शादी के लिए उपलब्ध थी, स्वयं के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि वह ये नियम को समझने में असफल है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि लोन सुविधा में खुद की शादी का क्लॉज भी रखा जाए। इसका मतलब है कि वर्मा हमेशा समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं। अब अंत में हमारे पास आपको प्रेरित करने के लिए सोनू वर्मा का एक छोटा सा वीडियो है, एक नजर देख लीजिए। सभी भारतीय डेफ मित्रों को हेलो नमस्ते। आइए मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में डेफ को काफी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। डेफ को रेलवे विमान क्षेत्र में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस आदि लेने जाते हैं, तभी भी हर जगह उत्पीड़न होता है। यदि सरकार द्वारा उत्पीड़न होता है, तो हम डेफ को इसके खिलाफ लड़ना होगा। ये डेफ व्यक्तियों और डेफ एसोसिएशन की जिम्मेदारी है कि वे सरकार के साथ अपनी लड़ाई के खिलाफ एकजुट हो। इसी तरह मैंने 1 साल तक रेलवे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये मुश्किल था। देर रात तक मैं याचिका के मसौदे में बदलाव करता रहा।
एक बार जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने याचिका दायर कर दी। मैंने हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और सफल रहा। उसी तरह आप सभी डेफ को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ज़रूरत है, ना कि चुप बैठने की। डेफ व्यक्ति को हानि नहीं होनी चाहिए। सभी भारतीय डेफ को मजबूत रहना चाहिए। अलविदा। क्या आपने देखा, हम सभी को मजबूत बने रहने और हार ना मानने की ज़रूरत है। वर्मा ने रेलवे द्वारा डेफ के साथ भेदभाव के बारे में AIFD और NAD को लिखा था और मदद की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जब दोनों एसोसिएशन ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो उन्होंने खुद ही भेदभाव से लड़ने के बारे में सोचा। उनकी सफलता से पूरे देश में डेफ समुदाय को लाभ होगा। वर्मा की लड़ाई उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय के लिए थी। अद्भुत। समुदाय को उनके समर्थन के लिए वर्मा को हरियाणा सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया है। उनकी सराहना और तालियां, हमें उन पर गर्व है।